उधम सिंह नगर जनपद में समान नागरिकता विधेयक को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिकता विधेयक लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उधम सिंह नगर जनपद में जसपुर से लेकर झनकिया तक पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जो यूसीसी विधेयक पास किया जा रहा है वे आम जनता के पूरी तरह से हित में है। अगर किसी के भी द्वारा क्षेत्र का माहौल खराब करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में स्थानीय निवासी अंकुर सक्सेना ने बताया कि ये उत्तराखंड वासियों के लिए नहीं पूरे देश के लिए गौरव का विषय है और ये बहुत बड़ा संदेश है। एक देश एक कानून, इससे बड़ा गौरव का क्षण हो ही नहीं सकता। जो सालों पहले काम हो जाना चाहिए था वो आज हो रहा है। जसपुर से संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेज है, बहुत इम्पोर्टेंट एक ऐतिहासिक पल है, जहां पर उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू होने के दिशा में सरकार काम कर रही है। तो इसको लेके हम लोग बहुत सतर्क है। माननीय पीएचक्यू में डीजीपी महोदय और एडीजी महोदय और डीआईजी महोदय द्वारा, रेंज महोदय द्वारा कई बार इसका आकलन किया गया है। सुरक्षात्मक आकलन हमने कर लिया गया है। संवेदनशील इलाके पूरे जिले में जसपुर से लेके जनकैया तक जितने भी संवेदनशील इलाके पड़ते हैं और मतलब इस प्रकार के मिक्स्ड आबादी जहां पर है और जो खुराफाती तत्व जहां पर एक्टिव रहते हैं, उन सभी जगहों पर हमने लगातार हमने ड्यूटियां तैनात कर दिया है। विभिन्न जगहों से फोर्स आई है, आरटीसी आई है, हमारे पास 4 कंपनी PSC है, 4.5 कंपनी PSC है, उसके अलावा पुलिस है, पुलिस के अलावा हमें आरटीसी का बल मिला हुआ है। उत्तराखंड वासियों के लिए नहीं पूरे देश के लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि छोटा सा राज्य पूरे देश में एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि हम सारे प्रदेश के जितने वासी हैं सब लोग हैं एक। जब हम अपने एक देश में रहते हैं तो एक देश के लिए समान, सभी लोगों के लिए समान कानून लागू होंगे, तो इससे बड़ा हमारे लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो एक गौरवपूर्ण जो है समान नागरिक संहिता का जो कानून आज जो हमारी विधानसभा में पास हो रहा है, इससे बड़ा गौरवपूर्ण क्षण तो हो ही नहीं सकता। मैं वासी होने के नाते अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।